जी नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय हम प्योदा रोड पर हम मौजूद हैं और खबर ये है कि कैथल के लोग अभी भी महफूज नहीं हैं और बुज़ुर्ग तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में छीना छपटी की जो वारदात है वो सामने आती रही है, लेकिन आज जो है प्योदा रोड के आसपास भी ऐसे ही छीना छपटी की वारदात जो है सामने आई है। एक बुज़ुर्ग अपने घर से किसी काम के लिए जाते हैं और तीन बाइक सवार चार बाइक सवार दो बाइक पे थे वो इनसे बुज़ुर्ग से अभयराम से पता पूछते हैं पीजीआई का, और पीजीआई का पता पूछने के बहाने वो इनसे पर्स भी छीन लेते हैं और आधे तोले की अंगूठी सोने की वो छीन कर फरार हो जाते हैं। किस तरीके से पूरी वारदात होती है अभी हम बातचीत करेंगे। ताऊ कितने बजे की बात है? 11 बजे का टाइम है। 11 बजे का टाइम? हाँ, बस दो मिनट से 4 मिनट 11 बजे के। आप किस काम खातर जा रहे थे? रुकड़े तो आए थे, रुकड़े जावे थे। मारी भूखी ताई मर गई, बालाजी में रहा इसका ताऊ। अच्छा, उठे गोड्डा नुआ का आया था मैं। अच्छा अच्छा, फिर मैं आया पी जी आई पक्ष को। अच्छा, फिर इस गोले में चढ़ गया। अच्छा अच्छा, फिर यू जो पेट्रोल पंप है नी, हाँ, गुलमोर सिटी तो थोड़ी सी उरन है। हाँ, है मोटरसाइकिल आला खड़िया पैरे आवे तो क्या पता पैरे दी। अच्छा, पैरे अपनी साइड में। अच्छा अच्छा, उरा मां को भाई अब पीजीआई कहाँ सी है? वो है यहाँ पुन लांदो, मैं यू करूँ वो है। इतने दो पसंद है उतर गए मोटरसाइकिल पे, और जो सा मेरे गले वो मोटरसाइकिल बैठा, और वहाँ आए जो सा वो भी मोटरसाइकिल दो उतरे। एक ने तो मेरा यू हाथ पकड़ लिया, एक ने यू, एक ने गोदी में तो बटुआ काट लिया, एक में गुंठी। अच्छा मैं चिमटा रहा, मखा लूट लिया रहा, मेरी गुंठी काट ली, मेरे पीछे कोट लिया, मंडल तो लेखा दिया। एक छोरा और था पाछा, मखा रहा मेरा अगताऊ बैठ। अच्छा उसने बैठाया, उसने दीख खेदे न्यू। अच्छा वो पाछा मोटरसाइकिल लाया, फिर उन्होंने पी जी आई कहीं भोड़े, फिर पी जी आई का जो रोको न्यू, फिर इसे गोला पे चढ़ गए बाईपास पे, फिर चौंक नो लिए, फिर करनाल रोड पर लिए, फिर वो छोरे ने वो वहाँ अगले तो निकल गए, वो पछले में मोटरसाइकिल अड़ाया नहीं। अच्छा वो न्यू गेड़ा खा के फुट्टी चौंक ने वो लिया, पछा वो छोरा वो लिया, मैं उतर गेट दिया उतर जाता हूँ। अच्छा फिर रुका मारा उन्हें, 20 वो गया गए उठे पकड़े आई, इसके पास कुछ नहीं मिला। फिलहाल आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से एक चोर जो है वो पकड़ लिया है, जिसने छीना छपटी की है। तीन जो है फरार हो गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा जब एक हाथ में आ गए तो। लेकिन वारदात जो है बहुत बड़ी वारदात है महफूज, क्योंकि ये तो दिन की घटना है, रात में भी निकलना अब तो इस हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस ने तुरंत मौके पर आकर कार्रवाई करते हुए अच्छी कार्रवाई की। अब तीन को कब तक पकड़ा जाएगा? ताऊ जी के 2500 रुपये, ₹2500 और आधे तोड़े की अंगूठी। हाँ जी, ताऊ जी को जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। उस पेट्रोल पंप के पास ताऊ जी से रास्ता पूछते हैं और मौके पर छीना छपटी करते हैं, किस तरीके से भागते हैं। अच्छा, जिसने जो बाइक वाला था जिसने पकड़वाया, वो बाइक वाला कहाँ का था? उसको शाबाशी वगैरह तो देनी चाहिए थी आपने। शाबाशी दी है जी,
उसी टाइम चला गया जी। अच्छा, तो पूछा करेगा प्योदा का। फिर वो लोग मैं भी चल गया। फिर एक हमारा गाँव का आ गया था, करोड़ा गाँव का राजपाल मास्टर का लड़का, वो भी आ गया था, उसने ये पहचाना जी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका उस बाइक वाले की है, जो भाई इस ताऊ के पास आता है, ताऊ जी को बिठा करके उनके पीछे लगाता है बाइक, और जिस वजह से वो एक चोर पकड़ में आता है। उस भाई का हमारी तरफ से और चैनल की तरफ से और पूरे शहर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने साहस दिखाया। लेकिन हाँ जी, प्योदा का आपका नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन जो भी आपका नाम है आप जरूर कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी उस भाई के लिए जरूर आप कमेंट में जरूर शाबाशी आप जरूर लिखिएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक चोर पकड़ में आ चुका है, और ऐसी ऐसी वारदात रिहायशी इलाकों में बहुत बार देखी जाती है। कहीं पर मोबाइल छीन लिया जाता है, कहीं पर जैसे कि आज पर्स छीन लिया गया है ताऊ जी का, जैसे कि अंगूठी छीन लिया, इसी तरीके से बहुत से शहरों में या बहुत सी जगहों पर बाली, सोने की बाली निकाल कर कानों से जो है फरार हो जाते हैं। और किस तरीके से आज ऐसी ही घटना कैथल में देखी गई है, लेकिन एक चोर फिलहाल पकड़ा गया है जी। नफे अभय राम जी ताऊ जी का नाम है, और आज सुबह सुबह की घटना है। तो ताऊ जी और कुछ कहना चाहोगे आप? बस जी, मेरा सामान मिल जाओ जी, और उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका सामान नहीं, उन पे तो पता नहीं अब क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ पे उसने वारदात की, वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी। मैं तो क्यों दिखने की भी कमी है, आप का मुंह कौन दिखता, मैंने इतनी कमी हो रही है दिखने की भी। जी आप देख सकते हो किस तरीके से शहर के लोग महफूज हैं, पुलिस को थोड़ा सा विश्वास बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे शहर के लोगों में विश्वास बढ़े कि हम सुरक्षित हैं। मैं हूँ कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।